हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जनता में जैसा देखा गया है कि दांत को लेकर के बहुत ही नवयुवक जितने भी हैं वो दांत के प्रति सजग नहीं है। एज ए डेंटिस्ट हम चाहेंगे कि आप जनता को हमारे चैनल के माध्यम से कुछ जानकारी दें जिससे उनका वो दांत की बच बचाव कर सकें। आपके चैनल के माध्यम से नववर्ष का हार्दिक बधाई देना चाहेंगे भारत के पूरे नौजवानों को और खास करके बिहार के जो नौजवान हैं उनसे मैं निवेदन भी करना चाहूँगा कि अपने दांतों के प्रति मुँह के प्रति सजग रहें और जितने भी तंबाकू संजनित पदार्थ हैं या जो भी दांत को नुकसान पहुँचाने वाले पदार्थ हैं उसका सेवन अपने जीवन में ना करें। अक्सर लोग फैशन के चक्कर में सिगरेट पीने लगते हैं या किसी के बहकावे में आकर गुटखा पान बीड़ी सिगरेट इस तरह का जिसमें भी तंबाकू टोबैको है उसका इस्तेमाल करने लगते हैं और जो टोबैको है तंबाकू वो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है दांतों के लिए मुंह के लिए और उसको चबाते चबाते उसका कुछ पार्ट अगर हमारे पेट में जाता है तो फिर पेट को भी नुकसान पहुँचाएगा। दाँत मुँह जनित बहुत सारी बीमारियाँ हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो खतरनाक बीमारी है वो तो मुंह का कैंसर ही है। इसको मुंह का कैंसर बोलते हैं, गले का कैंसर। और इसका मेन कारण जो पहले भी हम बता रहे थे वही सब है कि अगर आप किसी भी तरह का जिसमें भी टोबैको है उस तरह का अगर कुछ चीज़ चबाते हैं और यहाँ तक कि अभी जो रिसर्च आया है कि अगर फास्ट फूड का भी ज़्यादा सेवन करेंगे उससे भी आपको कैंसर मुँह का हो सकता है। अंदर में गाल का कैंसर, टंग का कैंसर, फिर धीरे धीरे गला का कैंसर। और ये कैंसर जानलेवा तो है ही और कितना भी ट्रीटमेंट अब नया जो सिस्टम आया है आधुनिकतम जो चिकित्सा इलाज है कैंसर का भी इलाज है लेकिन अगर फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज में अगर आप जाते हैं डॉक्टर के पास तभी उसका इलाज है। और अक्सर ऐसा होता है 99% मरीज मुंह के कैंसर वाले थर्ड स्टेज में ही हॉस्पिटल पहुँच पाते हैं और उनको बचाना फिर मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। तो ऐसा कुछ नौबत आने ही नहीं दिया जाए चाहे वो नवयुवक हो या बुजुर्ग हो। आजकल तो सबको आदत पड़ती जा रही है, शराब का भी लोग सेवन करते हैं उससे भी कैंसर होता है मुख का, पेट का कैंसर। तो हम निवेदन करेंगे कि शराब का सेवन ना करें। ऐसे भी बिहार में शराब प्रतिबंधित है और गुटखा भी कहीं ना कहीं प्रतिबंधित है। गुटखा या पान अगर आप खाते हैं पान का जो पत्ता है वो तो आयुर्वेदिक है लेकिन उसके अंदर जो कसैली होता है चूना होता है वो हमारे गाल को दांतों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है और वहीं से धीरे धीरे वो कैंसर का रूप ले लेता है। हमारे माध्यम से जनता ये भी जानना चाहेगी सर कि कैसे इससे बचा जा सकता है, कैसे हम लोगों को ऐसे रोकें क्योंकि हर लोग इसका सेवन करता ही है, कैसे रोक सकते हैं। ये तो आपको अपना जो एक है दृढ़ इच्छा शक्ति जो बोलते हैं वो आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। जो अगर हमारा कोई बच्चा इस तरह का एक्टिविटी देखने को मिलता है तो गार्जियन का ये फ़र्ज है या जो भी आसपास में उसके जो मित्र हैं समझदार उनका ये फ़र्ज बनता है कि अपने मित्र को समझाएं। गार्जियन का फ़र्ज है कि अपने बच्चों को समझाएं और प्रेरित करें कि नहीं इन सब गलत चीज़ों को इस्तेमाल न करें। और कुछ अच्छी चीज़ें भी मार्केट में हैं, बहुत सारे च्यूंगम अगर आपको हैबिट हो भी गया है टोबैको का निकोटीन का तो एंटी निकोटीन च्यूंगम भी आता है उसको चबाकर आप धीरे धीरे उससे आगे निकल सकते हैं। ज़्यादा रिसर्च आया है WHO का, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कि अगर सिगरेट पीने का, गुटखा खाने का या शराब पीने का लत बहुत ज़्यादा है तो आप पानी पीने का मात्रा बढ़ा दें तो उससे भी धीरे धीरे आप निजात पा सकते हैं। और मनोचिकित्सक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी मनोचिकित्सक हैं अच्छे उनके पास जाकर बताएंगे तो वो भी आपका इलाज करेंगे। सर प्रत्यारोपण में क्या खर्च आता है सर नॉर्मली लोगों को? प्रत्यारोपण दंत प्रत्यारोपण अब काफ़ी आसान हो गया है और 10,000 से 15,000 का एक दांत का खर्च है और धीरे धीरे उम्मीद है कि और टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है और कमेगा ही खर्च। दांत का इलाज तो का खर्च तो पहले से काफ़ी कम गया है, पहले बहुत ज़्यादा महंगा था, कॉस्टली था लेकिन अब तो सब लोग दांत का इलाज करवा रहे हैं। क्लिनिक में पहुँचते होंगे जो लोग क्या बोलते हैं पैसे से मजबूत नहीं होते हैं, जो कमज़ोर तबके होते हैं वैसे लोग के पास अगर पैसा नहीं है खर्च उतना नहीं कर पाए तो क्या आपकी क्लिनिक में ऐसा कुछ भी है गरीब के लिए जो कुछ स्कीम के थ्रू?
हम लोग का तो शुरू से ही ये उद्देश्य रहा है कि जो भी दंत चिकित्सा नहीं करवा पाते हैं, या तो पैसों के अभाव में या और भी कुछ कारणों से, वैसे लोगों को हम लोग इलाज बिल्कुल निःशुल्क करते हैं। ज़रूरत पड़ती है तो घर में भी जाकर देखते हैं, हमारे पास डॉक्टर्स की पूरी टीम है, जगह जगह कैंप भी लगाते हैं। और पूरा उद्देश्य मेन ये है कि दांत रोग से पीड़ित, कोई दांत दर्द से पीड़ित अगर कोई बीमारी से पीड़ित अगर कोई मरीज है, उसका मरीज का दुख दर्द दूर करना जी जी, चाहे उसके लिए घर में ही क्यों ना जाना पड़े। उम्मीद करते हैं सर इस वीडियो के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुँचे और कम से कम दांतों के बीमारी से लोगों में रोकथाम हो। आपका फिर से नए साल का बहुत बहुत आपको सर ये शुभकामना देते हैं। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, दंत चिकित्सक, दस समाज सेवी। कहाँ पे है सर आपका क्लिनिक? कृष्णा डेंटल हॉस्पिटल, मीठापुर, सब्जी मंडी, पटना।